इसराइल और हमास के युद्ध के बीच लेबनान के हिजबुल्ला ने बड़ा हमला किया है। गैलोन हाइट्स पर लेबनान के हिजबुल्ला की ओर से कई रॉकेट्स दागे गए, जिनमें से 12 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं, सभी 10 से 20 साल के थे। इसराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर की लड़ाई शुरू होने के बाद हिजबुल्ला का ये सबसे बड़ा हमला है। लेबनान से दागे गए रॉकेट गोलान हाइट्स के उत्तरी ड्रूज शहर मजदल के सेम्स में एक फुटबॉल मैदान पर गिरे। इसराइल ने कहा कि उसने लेबनान से इजरायली इलाके में गिरने वाले 3 प्रोजेक्टाइल की पहचान की है। इसमें हमले के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इसराइल अब हमास के साथ साथ हिजबुल्ला के साथ भी जंग छेड़ सकता है। कुछ इजरायली नेताओं ने जवाबी कार्रवाई की मांग की है, हालांकि हिजबुल्ला ने रॉकेट दागने से इनकार किया है। इसराइल और हमास का युद्ध शुरू होने के साथ ही लेबनान के साथ लगती सीमा पर हिजबुल्ला के साथ संघर्ष शुरू हो गया था। इजरायली सेना और हिजबुल्ला पिछले 10 महीने से एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं। इस हमले में पहले भी कहा जाता रहा है कि दोनों का संघर्ष एकदम उबलते बिंदु पर पहुंच रहा है। 12 लोगों की मौत के अलावा 29 लोग घायल भी हुए हैं। अब इस मामले में माना जा रहा है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई शुरू करेगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने ग्राउंड में खूनी संहार के दृश्य का वर्णन किया। हालांकि हमले के दौरान एक वार्निंग सायरन बजाया गया था, लेकिन वो पीड़ितों के लिए बेहद छोटा अलार्म था जो समय पर भागने में असमर्थ। IDF ने शनिवार देर रात को कहा कि मरने वाले सभी की उम्र 10 से 20 साल के बीच थी। हमले के बाद एक बड़ी जवाबी कार्रवाई का वादा किया जा रहा है। हमला ऐसे समय पर हुआ है जब इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से वापस लौटे हैं। छुटमुट संघर्ष की वजह से अब हिजबुल्ला के साथ एक पूर्ण युद्ध की आशंका बढ़ गई है। लगभग 20,000 ड्रूज अरब गैलन हाइट्स में। अब बात कर लेते हैं जहां पर हमला हुआ। गोलान हाइट्स वो इलाका है जिसे इजरायल ने सन 1967 में 6 दिन के युद्ध के दौरान सीरिया से जब्त किया था। इंटरनेशनल कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत इसे कब्जे वाला इलाका माना जाता है। क्षेत्र में लगभग 50,000 इजरायली यहूदी और ड्रोज रहते हैं। ज्यादातर ड्रोज खुद को सीरियाई मानते हैं। IDF के प्रवक्ता के मुताबिक जिस समय हमला हुआ तब बच्चे ग्राउंड पर खेल रहे थे। ये 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा हमला है और हम इसकी कार्रवाई में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमला फलाक एक ईरानी रॉकेट से किया गया है जिसमें 50 क्रिगा का हथियार था। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला ही इस मॉडल का इस्तेमाल करता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।